नमस्कार दोस्तों, आपको भी सीने में दर्द होती है, डॉक्टर से दिखा के आप हार गए हैं, कोई भी बीमारी नहीं निकला, फिर भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। जानते हैं क्यों आप परेशान हैं? क्योंकि दोस्तों आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सीने में जो दर्द होती है, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी बीच में, कभी कभी तो कंधे में भी आपको दर्द हो सकता है, और जानते हैं साथ में आपको पाचन क्रिया भी सही नहीं रहता है, तो किसके वजह से सीने में आपको दर्द हो सकता है? तो वह है आपके गैस। गैस की वजह से आपको सीने में दर्द हो सकती है। जानते हैं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स है ना, उनको यही समस्या हो रहा था। वह जो है ना, बहुत सारे रिपोर्ट करवा लिए, डॉक्टर से दिखा लिए, उनको जिस तरह सीने में दर्द हुआ, गए होंगे डॉक्टर के पास दिखाए होंगे, उनको डर होगा कि हमको हार्ट का कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इसके वजह से वो डॉक्टर के पास जाके अपने इलाज कराएंगे, तरह तरह की रिपोर्ट हो गया, कोई भी बीमारी नहीं निकला। डॉक्टर साहब ये भी बता दिए होंगे कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बीमारी नहीं है, फिर भी हमको क्या हो रहा है कि सीने में दर्द आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और आप जान गए ना कि सीने में जो दर्द हो रहा है ना, वह गैस की वजह से हो रहा है। तो गैस की वजह से हो रहा है तो हम गैस की दवा खा रहे हैं, फिर भी हमको सीने में दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है? और ठीक हो रहा है तो कुछ दिन काटे ठीक हो रहा है, इसके बाद फिर से हो जा रहा है। यानी कुछ दिन मतलब का एक दो घंटा के लिए आराम हो जा रहा है, फिर आपको हो जा रहा है। लेकिन जानते हैं आप बताए हैं ना कि पाचन क्रिया सही से नहीं रहता है, तो यह कंफर्म है कि आपको पेट की वजह से ही आपको सीने में दर्द हो रही है। जानते हैं क्यों? इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि गैस जो है ना, पेट की वजह से गैस आपको बहुत ज्यादा बन रही है। गैस बनने से जानते हैं क्या होता है? जो आप बोलते हैं ना, कभी राइट साइड दिशा में होता है, कभी लेफ्ट साइड दिशा में होता है, कभी बीच में होता है, कभी कंधे में होती है, तो वह गैस करवाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गैस जो होता है ना, वो नाच के दर्द करता है। कभी इधर फंसेगा, कभी इधर फंसेगा, कभी इधर फंसेगा, जिधर फंसेगा ना उधर आपको इतना ज्यादा दर्द करेगा ना कि आप बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, तुरंत जाइएगा डॉक्टर के पास, दिखाइएगा, बहुत सारे पैसे भी खर्चा कर दीजिएगा। लेकिन आपको जो डॉक्टर बता दिया ना कि बिल्कुल आप ठीक हैं, आपके सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट सभी प्रकार का हो गया, इको तकड़े हो गया, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, हार्ट के भी जांच हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो डरना किस चीज का है? लेकिन आपको फिर भी सीने में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर है ना, छोटी छोटी हम आपको बात बताएंगे, और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो ना किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, सच्चाई नहीं बता रहा है ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट भेज दीजिएगा, हम आपको सच्चाई बताएंगे। अगर आप मेरे पास के है ना, निचका का, जैसे 2 किलो 5 किलो 10 किलोमीटर के अंदर में, या बिहार में है आप, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको हर एक पल मदद करेंगे। अगर नहीं आ पा रहे हैं ना, तो आप इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा रिपोर्ट, सच्चाई बता के हम आपको मदद करेंगे, ठीक है? तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सीने में दर्द। दोस्तों सीने में दर्द होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, हम वैसे हम इसका वीडियो पहले से हम बना दिए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें आपको सीने भी बता दिए हैं। इसलिए बता दिए ना कि आपको गैस के वजह से आपको सीने में जो दर्द हो रही है ना, यह खोजिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, इसके बाद उसका पूरा वीडियो खोजिएगा लाइन से, ठीक है? और देखिएगा उसमें मेरे वीडियो आ जाएगा कि सीने में गैस की वजह से जो दर्द होती है क्यों होती है, ठीक है? उसमें आपको सीरप बता दिए, उसको आप पी कर देखिएगा, बिल्कुल आपको राहत दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह बता रहे हैं उस तरह आप लोग जरूर करिएगा, बिल्कुल आप लोग ठीक रहिएगा, और ज्यादा इधर उधर पैसे गिजवाना नहीं है, बिल्कुल आप लोग स्वस्थ हैं, और दिमाग से सोचिएगा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि किन किन बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नंबर वन बताना चाहते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखिएगा, यानी ब्लड प्रेशर ना हाई होने दीजिएगा ना लो होने दीजिएगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो है ना, इसकी वजह से आपको सीने में दर्द हो सकती है, आप लोग जरूर चेक करवाइएगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों ब्लड शुगर भी, ब्लड शुगर को भी हाई नहीं होने देना है ना लो होने देना है। ब्लड शुगर आपको हाई होगा लो होगा, इसकी वजह से भी आपको हो जाएगा। और जानना चाहते हैं ना कि ब्लड शुगर क्या चीज होता है, कैसे होता है, इसके लिए भी वीडियो बना दिए, बहुत आसान तरीके से बताए हैं, आप लोग समझ जाइएगा, दम अंदाज भाषा में बताएं, आप लोग देखिएगा ना जाकर पहले कि शुगर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सब हम क्लियर बता दिए हैं, फिर से मनाए कि आप लोग को बताएंगे, बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, शरीर में खून की कमी मत होने दीजिएगा, ठीक है? और मैग्नेशियम की भी कमी मत होने दीजिएगा, पोटेशियम की भी कमी मत होने दीजिए, यानी कि समझे कि शरीर में कोई चीज की कमी मत होने दीजिएगा, खान पान सही रखेगा तो कोई चीज की कमी आपको बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जब नहीं होगा ना तो शरीर आपका बिल्कुल फिट रहेगा। और जिन लोग का बीपी शुगर ठीक है ना, उनका समझ लीजिए कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? और हाँ, आप अपने पेट को भी सही से रखिएगा, पेट जो है ना, पेट ठीक सफा हर रोग दफा कहलाता है ना, पेट जब सही रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा।
अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया कि लैट्रिन क्लियर नहीं होता है ना, इसकी वजह से भी आपको सीने में दर्द हो सकती है। जानते हैं क्यों? इसलिए होगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गैस बनेगा, गैस बनेगा तो कहां जाएगा हम लोग का, यहां तक रहेगा तो निकल जाएगा, यहां पर फंसेगा तो क्या होगा, सीने में दर्द होगा, या सीने में दर्द होगा तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है ना कॉन्स्टिपेशन भी मत होने दीजिएगा। और कॉन्स्टिपेशन कैसे नहीं होगा, जब फाइबर वाला चीज खाएगा और तीखा चीज आप खाना छोड़ दीजिएगा, तो यानी सूखा मिर्चा जो होता है ना ये सब खाना छोड़ दीजिएगा, मार्केट का चीज खाना छोड़ दीजिएगा, यानी समोसा ईजा पिज्जा चाउमीन जो लोग बहुत ज्यादा उस पर भीड़े रहते हैं वो चीज आप खाना छोड़ दीजिएगा ना, बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगा। और सलाद खाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको नहीं होगा। दोस्तों आप लोग इतना जरूर करिएगा, बिल्कुल आपको राहत दिखाई देगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी हमको सीने में जो दर्द हो रही है क्यों हो जा रही है, आखिर गैस की वजह से हो रहा है तो गैस क्यों बन जा रहा है। दोस्तों इसके सबसे बड़े रीजन होता है ब्रेन। दोस्तों ब्रेन से यानी कि आपको दिमाग में बैठ गया है कि हमको सीने में दर्द हो रही है, इसके वजह से आप नहीं भी चाहकर भी आपको सीने में दर्द महसूस हो जाएगा और आपको दिमाग तुरंत सोचेगा और आपको क्या करेगा, तुरंत सोचेगा आपको जाकर पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ब्रेन का सिग्नल पाचन क्रिया से होता है और आप बता भी रहे हैं कि हमको पाचन क्रिया सही से नहीं होता है। तो अगर आप ब्रेन में बैठा लिए होंगे कि नहीं हमको सीने में दर्द होता है बहुत दिन से, आप दिखाकर हार जाइएगा ना तो आपको दिमाग उठा लेगा ऑटोमेटिक। तो आप भुलाने की कोशिश करिएगा कि नहीं हमको बीमारी नहीं है, बिल्कुल सोचे कि बीमारी हमको नहीं है, आप काम में लग जाइएगा, बिल्कुल आप लोग को ठीक हो जाएगा। देखिए अगर बहुत ज्यादा सोचिएगा ना तो पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगा, पाचन क्रिया गड़बड़ाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो जाएगा, इसके बाद आपको गैस बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो गैस तो है तो गैस तो बन भी करेगा, आपको नहीं की तो बात नहीं, बिना गैस के कोई आदमी है नहीं, किसी को बॉल ज्यादा ओवर गैस बन जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो यही करना है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में नहीं रहना है और बीमारी के प्रति दम भूल जाइए कि हमके पास बीमारी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं भी सोचिएगा तो आपको दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी उठाता है, आप चाह कर भी लेकिन आदत लगाइएगा ना धीरे धीरे भुलाने के लिए, ऑटोमेटिक भुला जाइएगा और जड़ से आपको ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान रहेगा, डॉक्टर के पास दौड़ते रहेगा, दवा खाते रहेगा फिर भी अरे ठीक होने का नाम नहीं लेगा। बस अपने ब्रेन को सही रखिए, कम से कम 8 घंटा जरूर सोइए और साथ में इस मोबाइल को लेकर मत सोइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है, आपको लिए दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।